So, hi everyone, I am Akanksha Singh, currently a final year MBBS student here at AIIMS Delhi. Some of you might know me, for those who don't, I secured an All India rank of 2 in NEET 2020 with a perfect score of 720 on 720. Apart from that, I'm an NTSC scholar as well. I got rank 34 in KVPY. I have cleared Olympiads in biology, chemistry, and junior science. I also gave JEE mains, in which I got 99.48 percentile. I have secured 97.6% in 10th boards and also 96.4 in 12th. And this was the introduction which I used to give in all my interviews, you know, after my NEET. But two things have been added to this and for which I'm very proud of. First is that I got an all in a rank of third in my first professional exams in my batch. And apart from it, I got rank 1 in my second professional exams with a distinction. I passed with a distinction and I got 3 gold medals because I got highest marks in those 3 subjects out of 4 in my second year. So yeah, that's a big deal and I'm super proud that I got that. So for those who didn't know me, this is my introduction. Nothing fancy, but yeah, I have been an academic student. बचपन से लेके अब तक मैंने कुछ नहीं किया है, बस जिंदगी में पढ़ाई ही करी है. तो मेरी सारी अचीवमेंट्स भी बस पढ़ाई को ही लेके है. But yeah, definitely this is something I love doing and इसमें मेरे को मजा आता है. If you can call me, nerd, you can call me whatever. But this is it. I had tried doing things which came across my way in college because मेरे को explore करना था. For that, you know, I even participated in dance. हमारे college में जो fest होता है उसमें मैंने dance भी किया. मैंने mime में भी participate किया. उसके अलावा ये fashion show में भी मैंने participate किया था. तो मैंने explore की काफ़ी सारी चीज़ें, but somehow or the other I have realized कि मेरे को सिर्फ पढ़ना आता है. उसके अलावा थोड़ा पढ़ाना आता है because I have taught my juniors, I have taught people, जो भी मेरे को समझ आ जाए. पढ़ने पढ़ाने के अलावा मेरे को और कुछ आता नहीं है. तो डेफिनेटली मेरा इंट्रोडक्शन भी वही है कि इन्हीं सब चीज़ों में है. सो आई एम प्राउड ऑफ इट डेफिनेटली, बट यार नथिंग फैंसी इन दैट. सो विद दिस, लेट मी टेल यू व्हाई आई हैव क्रिएटेड दिस यूट्यूब चैनल. आई एम कमिंग ऑन यूट्यूब, लाइक दिस इज माई फर्स्ट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल. इससे पहले मैं यूट्यूब पे अपने किसी चैनल पे नहीं थी. मेरा खुद का कोई चैनल नहीं था. आई हैव बीन कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. डेफिनेटली आफ्टर यू गेट अ रैंक यू आर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज. आई हैव गिवन इंटरव्यूज. आई हैव टोल्ड यू अबाउट द स्ट्रैटेजीज एंड स्टफ एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू नीट. जो भी, क्योंकि मेरी जर्नी हैज़ बिन वेरी डिफरेंट. मतलब बिकॉज आई बिलोंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, कुशीनगर इन गोरखपुर, विच इज़ लाइक इन यूपी, एंड इट इज़ अ वेरी स्मॉल टाउन. मतलब मैंने एक बहुत ही एवरेज, बिलो एवरेज यू कैन से, एवरेज टू बिलो एवरेज स्कूल से पढ़ाई करी है अपना 8th तक. 9th-10th में फिर मैंने थोड़ा कोचिंग ज्वाइन करी, थोड़ा थोड़ा मैंने पढ़ा. एंड 11th-12th में वॉज द रियल बूस्ट. 11th-12th में मैंने नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट की. आई टेल यू, जब मैं 8th क्लास में थी एंड मैं से ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं ना, उनके तुम उनके स्कॉलरशिप एग्जाम्स होते हैं तो उसमें अपीयर करते थे, राइट? तो जब मैं 6th-7th से मैंने अपीयर करना स्टार्ट कर दिया था बिकॉज My mom was so passionate. मतलब वो टीचर है खुद एंड मेरे पापा तब एयरफोर्स में थे तो मैं अपनी मम्मा के साथ ही रहती थी. मैं और मेरी मम्मा रहते थे कुशीनगर में ही रहते थे हम. तो मेरी मम्मा वो सो पैशनेट कि इसको एग्ज़ाम दिलाने, ये स्कूल में तो अच्छा कर रही है, ठीक है, बट इसको ऐसे ऑल इंडिया के एग्ज़ाम दिला के देखते हैं कि उसमें इसका कैसा परफॉर्मेंस होगा या ये कैसा करेगी. तो मेरे को वो दिलाते थे ना, तो शुरू में क्योंकि पहले तो स्कूल में तो ऑब्वियसली मैं टॉपर थी. हर कोई मतलब वो होता है अंधों में काना राजा टाइप्स, तो मैं भी वैसी थी. बट फिर जब मैंने एग्ज़ाम देना अपीयर करना स्टार्ट किया ना, मैं इतना फंबल और इतना मैं डर जाती थी जब मैं पेपर कर रही होती थी कि अरे मेरे से तो हो ही नहीं रहा है, क्वेश्चंस मेरे से तो हो ही नहीं रहे. एंड दिस इज़ नॉट समथिंग आई हैव शेयर्ड इन माई प्रीवियस इंटरव्यूज़. मैंने कभी शेयर नहीं किया है क्योंकि किसी ने कभी मेरे से ये नहीं पूछा कि आपकी पहले की जर्नी कैसी थी, कि आप मेरे को ये बताओ कि आपने कहाँ से कहाँ तक हो गया. एवरीवन इज़ इंटरेस्टेड इन 11th एंड 12th. टिल देन आई बिकेम अ प्रीटी गुड स्टूडेंट बिकॉज मैंने 9th-10th से ही आई स्टार्टेड गोइंग टू आकाश कोचिंग इंस्टीट्यूट. तो वहाँ पे मैंने कॉम्पिटिटिव जो नेचर होता है वो तुम धीरे धीरे सीख जाते हो, तुम अपने आप को इम्प्रूव कर लेते हो, तो मैं काफ़ी बेटर हो गई. बट उससे पहले अगर आप जाओगे ना और आप देखोगे तो ऐसा तो नहीं है कि कोई भी टॉपर पैदा होता है या कोई ऐसा होता है कि बचपन से उसके दिमाग में सब कुछ फीडर, ऐसा तो नहीं है. तो जब मैंने 7th में देना अपीयर करना स्टार्ट किया था तो आई स्टिल रिमेंबर आई यूज टू गेट रैंक्स इन 10,000s. कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के जो एग्जाम्स होते थे ऑल इंडिया एग्जाम्स, मेरी 10,000 भी रैंक आई है, उससे भी ज़्यादा आई है.
फिर धीरे धीरे जब मैंने देना शुरू किया था ना रियलाइज की देर इज़ अ लॉट टू स्टडी और देर इज़ अ लॉट टू इम्प्रूव अपॉन एंड वेन आई यूज टू कम अक्रॉस दो स्टूडेंट्स जो मेरे को सेंटर पर मिलते थे एंड दे हैव स्टार्टेड सो मच आई यूज टू बी लाइक मैं इनसे कैसे कॉम्पीट करूँगी हाउ विल आई कॉम्पीट विद देम देन धीरे धीरे मैंने और पढ़ना स्टार्ट किया मैंने जो स्कूल में बुक्स होती थी उनको पूरा ऑनलाइन कर करके पढ़ना फिर मम्मा से बोल बोल के कि मम्मा ये ओलंपियाड की बुक ला दो या फिर ये MCQs वाली बुक ला दो या फिर मम्मा मेरी खुद ही जागती थी यू नो शी यूज़ टू गो टू द सिटी एंड वो उनको जो जो बुक से समझ आती थी कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की क्या बुक हो सकती है ओलंपियाड्स की ओलंपियाड्स ही थे जो 8th 9th में उससे रिलेटेड ही कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं ना 8th 9th 10th में तो उसकी बुक्स ले आती थी एंड फिर मैं वो धीरे धीरे मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया शुरू में तो मेरे से होते ही नहीं थे और मैं इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी क्योंकि मतलब मेरे को आदत नहीं थी कि अरे ये क्वेश्चन मेरे से हो क्यों नहीं रहा क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था और तब इतना यूट्यूब और ये सारा चीज़ नहीं था कि यू नो कि तुम जाओ तुम सर्च कर लो इसका एक्सप्लेनेशन उसका एक्सप्लेनेशन तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है थोड़ा बहुत योर पेरेंट्स विल हेल्प बट तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है तो मैं इतना वो नहीं लगी थी बट धीरे धीरे समहाउ मैंने थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना शुरू किया थोड़ा और पढ़ना एक्सप्लोर करना फिर 9th में मैंने कोचिंग ज्वाइन कर ली फिर वहाँ पे NTSC के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया ओलंपियाड्स के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया एंड मेरी रैंक धीरे धीरे इंप्रूव होने लगी 10,000 से 5,000 में भी आई फिर 1,000 में भी आई 9th 10th में जब मैंने अपेयर किया बट फिर फाइनली 10th में मैंने NTA जो ऑल इंडिया एग्जाम होता है आकाश का उसमें मैंने अपेयर किया एंड उसमें मेरी 5th रैंक आई ऑल इंडिया एंड दैट वाज द फर्स्ट टाइम आई गॉट अ सिंगल डिजिट रैंक इन अ नेशनल लेवल एग्जाम मतलब उससे पहले मेरी कभी नहीं आई थी एंड दैट वॉज लाइक अ गेम चेंजर एंड मोर देन दैट इट गेव मी द कॉन्फिडेंस दैट आई कैन डू इट राइट बिकॉज वो एक चीज़ आती है ना तुमको तुम कर रहे हो तुम कॉन्स्टेंटली एफर्ट डाल रहे हो बट तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता तो तुम्हें ऐसा लगता है कि यार तुम सही कर रहे हो या नहीं कर रहे वो एक डाउट हमेशा तुमको आता है एंड 9th में भी जब मैंने कोचिंग ज्वाइन की थी वहाँ पे मतलब हमें NTSC का पढ़ाते थे या 9th 10th का सिलेबस जब पढ़ाते थे तो मतलब मेरे से ज़्यादा आता होता था मतलब वहाँ पे एवरीवन बिकॉज एवरीवन जो भी क्योंकि मैं कुशीनगर में थी एंड वहाँ से आई यूज़ टू ट्रैवल टू गोरखपुर ये मैंने पहले भी बताया हुआ है कि मतलब वो हफ्ते में 2-3 दिन मेरे को ट्रैवल करना होता था तो मैं क्लास से आके और वो काफ़ी टाइम लगता था 1.5-2 घंटे लग जाते थे आई यूज़ टू ट्रैवल बाय बस तो मैं ट्रैवल करके जाती थी तो मतलब मैं एक प्रिटी बहुत ही डिसेंट सी थोड़ी सी सिटी टाउन से थी बट वहाँ पे लोग जो ऑलरेडी वहाँ पे कोचिंग कर रहे होते थे 7th 8th से कर रहे थे उनको इतना ज़्यादा आता होता था मतलब दे हैव सॉल्व बुक्स उन्होंने 7th 8th में कोचिंग करी है उनको वो कॉम्पिटेटिव पता है उनको वो कॉम्पिटेटिव स्पिरिट है उन्होंने इतने क्वेश्चन MCQs मेंटल एबिलिटी मैथ्स वैथ सब इतना कर रखा होता था कि टीचर ने क्वेश्चन दिया उन्होंने कर दिया सॉल्व एंड मैंने अभी वो कॉन्सेप्ट समझा है तो फिर मैं अभी करूँ तो मेरे को इतना आदत नहीं थी शायद इस चीज़ को हैंडल करने की कि यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा है मेरे से क्यों नहीं हो पा रहा तो मेरे को इतना मतलब कई बार ऐसा होता था कि मेरे पापा तब उस वक्त पे गोरखपुर के एयरफोर्स में पोस्टेड थे तो फिर वो मेरे को वापस आते हुए बस में बैठाने के लिए बस स्टेशन तक कोचिंग सेंटर से बस स्टेशन तक मेरे पापा मेरे को ड्रॉप करते थे फिर वहाँ से बस से बैठ के मैं घर पे आ जाती थी मेरे पापा गोरखपुर में पोस्टेड थे तो वहीं रहते थे मैं कुछ नहीं कर मैं मम्मा के साथ रहती थी 9th 10th में तो मतलब कितनी बार मैं रोई हूँ आई हैव क्राइड एन नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई कॉन्ट इवन मतलब अब मैं सोचती हूँ तो मेरे को लगता है कि इतना वर्थ इट भी था या नहीं बट एवरी अदर डे आई यूज टू क्राई अपने पापा के सामने कि पापा मेरे से नहीं हो रहा मेरे से नहीं हो पा रहा या मैं नहीं कर पा रही ये लोग तो मेरे से इतने बेटर हैं बहुत रोती थी मैं पूरा 9th मेरे को लगता है मैं जितने दिन कोचिंग गई हूँ उसमें से 1/3 ऑफ द टाइम्स मैंने रोया है आते हुए वापस कि पापा मेरे से नहीं हो रहा एंड मेरे पापा मेरे को बस एक ही चीज़ बोलते थे कि तू कर तू ना देख यू ऑलवेज यूज टू से दिस कि सपोज देर इज़ अ वेजल उसमें तुमको बाय द एंड ऑफ 2 ईयर्स इतना पानी भरना है यहाँ तक भरना है तेरा अभी बिल्कुल मतलब यू नो यू हैव डन तुमने नहीं किया है उतना ठीक है तुम नीचे लेवल पे हो लोगों ने ऑलरेडी बहुत पढ़ा है वो एक लेवल पे हैं तो बट एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स ना तुम्हें यहाँ पहुँचना है मतलब एक इतना अमाउंट ऑफ स्टडी तुमको करना है तूने अभी कम पढ़ा है तो तेरे को ज़्यादा एफर्ट डालना होगा तेरे को रोज़ ज़्यादा एफर्ट डालना होगा और ये एक्सपेक्ट नहीं करना है अभी कि तू अभी रोज़ ज़्यादा एफर्ट करेगी तो तू 2-3 दिन में या 1 महीने में उनसे बेटर हो जाएगी तो नहीं होगी क्योंकि उन्होंने पढ़ा है डेफिनेटली राइट तो वो तुमसे आगे हैं और रहेंगे बट अगर तुम रोज़ उनसे थोड़ा ज़्यादा करोगे तो एक दिन यू विल बी बेटर ऑफ तो वो एक दिन डेफिनेटली आएगा बट अगर रोज़ तू इस चीज़ को लेकर परेशान होती रहेगी और इससे अपनी पढ़ाई को इफेक्ट करेगी तो वो दिन कभी नहीं आने वाला तो यू विल हैव टू बी पेशेंट You'll have to be confident in yourself कि जितना आज कराया उतना पढ़ लेते हैं मुझे हर दिन थोड़ा इम्प्रूव करना है एंड यू विल गेट बेटर तो 8th में जहाँ मेरी 10,000 में रैंक आती थी धीरे धीरे करते करते फिर मैंने ऑल इंडिया लेवल के कई सारे पेपर्स होते थे 9th 10th में आकाश में देना शुरू किया धीरे धीरे फिर मेरी 1 भी आने लग गई एम्स के अंदर मतलब आकाश के अंदर के जो होते थे उसमें 10th में फाइनली फिर जब NTA हुआ तो उसमें मेरी 5th आई which was like a game changer because that gave me the confidence that I can do it I can you know I can do something
एंड धीरे धीरे मेरा इंप्रूव होने लग गया, आई गॉट बेटर बेटर बेटर. बट फिर 11th एंड 12th में वापस से आई केम टू दिल्ली. नाउ दिल्ली में आई गॉट एडमिशंस. वहाँ पे अगेन देर आर स्टूडेंट्स हु हैव बिन टू बेटर, यू नो, क्योंकि गोरखपुर वॉज स्टिल फाइन बट पीपल हैव बिन स्टडिंग इन दिल्ली एंड बड़े बड़े सिटीज़ में. वहाँ के टीचर्स आर डेफिनेटली मच बेटर एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें सॉल्व करी हैं. तो वापस से वो सेम चीज़ हो गई, मतलब वापस से आई वॉज डूइंग गुड गुड गुड, बट अमंग्स दोज 20-30 पीपल हुआ देर इन माई बैच आई वॉज अगेन, आई वॉन्ट से कि एकदम बॉटम में, बट मैं नीचे थी, मेरे को वापस से दिखने लग गया वो. बट आई न्यू कि होगा एंड माई डैड स्टेड विथ मी एंड वो हमेशा सेम चीज़ मेरे को बोलते थे कि तेरे को करना पड़ेगा, तेरे को एफर्ट करना पड़ेगा एंड नाउ यू कांट अफोर्ड टू यू नो गिव अप. तो मैंने किया, मैंने बहुत पढ़ाई करी है ऑनेस्टली. मतलब लोग मेरे से पूछते हैं ना कि व्हाट्स द शॉर्टकट टू सक्सेस इन नीट, मेरे को नहीं पता यार, क्योंकि मैंने शॉर्टकट तो छोड़ो, फॉर मी द जर्नी हैज़ बीन वेरी बिग. 11th एंड 12th मैंने जितनी पढ़ाई करी है, तुमने अगर देखी होती ना, या तुम्हें पता हो कि जितना मैंने पढ़ा है तुम उतना पढ़ लो तो तुम टॉप करोगे, क्योंकि हमारे टाइम पे एम्स भी होता था. एंड तो मेरा माई टारगेट वॉज टू गेट इन टू एम्स. मेरे को टॉप 50 रैंक चाहिए थी एम्स वाले एग्जाम में, तब नीट और एम्स अलग होते थे. तो एम्स में मेरे को रैंक चाहिए थी एंड एम्स में फिजिक्स बहुत अच्छे लेवल की पूछते थे. तो मैंने फिजिक्स में बहुत सारी बुक सॉल्व करी हैं, नीट से बहुत ऊपर की, जेई मेन, जेई एडवांस तक के मैंने पेपर सॉल्व किए हैं. तो मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही थी एंड अचानक से 12th में न्यूज़ आती है कि एम्स सारा मर्ज कर दिया, एम्स जिपमर सब कुछ मर्ज करके नीट में इंक्लूड कर दिया, अब सिर्फ नीट होगा. और तब मैंने बायोलॉजी इतनी पढ़ी नहीं थी, ना मैंने बायोलॉजी अच्छे से पढ़ी थी, ना मैंने बायोलॉजी की एनसीईआरटी तब तक उतनी अच्छे से पढ़ी हुई थी, ना मैंने केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ी हुई थी. मैं सिर्फ फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने में लगी हुई थी. तो मैंने अच्छे से मतलब नीट सेंट्रिक पढ़ाई नहीं करी थी. जब वो डिक्लेरेशन आया, एक दिन तक मैं बैठ के रोई. मैं इतना रोई कि जितना पढ़ा सब वेस्ट हो गया एंड मतलब बहुत बहुत सैड थी मैं. बट अगेन क्या कर सकते हो तुम, अब जो है वो है, तुम्हें करना है, तुम्हें पढ़ना है. फिर आई वाज लाइक, पापा जो नई एनसीईआरटी है वो आप ले आओ. मेरे पास शायद पुराने एडिशन की एनसीईआरटी थी, 2 साल जो नई एनसीईआरटी थी, मैंने कहा वो ले आओ अब आप. एंड फिर उस दिन मैंने सब वो सारी किताबें जो मैं फिजिक्स की करती थी तो उसको हटाया. लाइक अब ये पढ़ना है, इसी को पढ़ेंगे, दिन रात पढ़ेंगे एंड कर देंगे. अब ठीक है, टाइम कम है, कोई बात नहीं, जितना भी है उतने में करेंगे, कर लेंगे, ट्राई करेंगे, हो जाए. फिर मैंने पढ़ना स्टार्ट किया. लिटरली एनसीईआरटी के एक एक चैप्टर मैंने रीड किए, इतनी बार पढ़े. एंड उस बीच में फिर ऐसा होने लगी कि मैं सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ एंड बीच में इतना ज़्यादा वो हो गया कि मैंने और चीज़ों को थोड़ा साइडलाइन कर दिया. और बीच में कुछ ओलंपियाड्स भी आ गए तो मैं उसके लिए प्रिपेयर करने लगी. तो फिर मेरा मार्क्स जो है वो थोड़ा डिप होने लग गए. तो मेरे को बार बार बोलते रहते थे कोचिंग भी कि यार क्या कर रहे हो, मार्क्स नहीं अच्छा रहे, नहीं अच्छा रहे. तो फिर वो भी एक ऐसा फेज था कि मतलब तुम सैड होते हो कि ठीक है तुम्हारे अच्छे आ रहे थे फिर तुम्हारे नहीं आ रहे. तो वो अप्स एंड डाउन्स तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी थे. मैंने बहुत एफर्ट किया है, मैंने बहुत मतलब द ओनली थिंग विच आई डिड वॉज आई डिड नॉट गिव अप. मतलब जिस जगह से मैं बिलोंग करती हूँ ना पर्सनली, ये सक्सेस इज़ अ बिग सक्सेस. वहाँ से आज तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मतलब एम्स दिल्ली में हो इसमें से पहले. एंड बिकॉज यू नो, चाहे तुम कितना भी बोल लो, शायद इस ज़माने में जो अभी का टाइम है यूट्यूब इज़ देयर एंड एवरी थिंग इज़ सो फ्लरिशिंग कि तुम कहीं से बैठ के कुछ भी कर सकते हो, विच इज़ लाइक अ, इससे बड़ी चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती. हमारे टाइम पे ये नहीं था. जो भी है तुम्हें खुद से फिगर आउट करना है, या तुम जहाँ भी जा रहे हो, जगह पे जिस जगह पे पढ़ रहे हो वहाँ से तुम्हें फिगर आउट करना है. एंड इतना कुछ नहीं था. वहाँ से निकल के यहाँ पहुँचना फॉर मी एम्स इज एन एस्पिरेशनल थिंग. नो वन इन माई फैमिली एवर इमेजिंड कि आई विल बी हियर. आई डिड नॉट इमेजिन आई विल बी हियर. माई पेरेंट्स डिडंट इमेजिन. द ओनली थिंग दे वॉन्टेड फ्रॉम मी वॉज टू बिकम अ डॉक्टर, यू नो, एंड बींग हियर, स्टडिंग हियर, सीइंग स्टूडेंट्स हु आर फ्रॉम लाइक अमेजिंग बैकग्राउंड. उनके पेरेंट्स इतने मतलब बड़े पोस्ट पे हैं, उन्होंने खुद इतनी बड़ी बड़ी जगहों से पढ़ाई करी है बचपन से लेके, मतलब यू नो सिंस देयर चाइल्डहुड उन्होंने इतने सारे रिसोर्सेज यूज़ किए हैं. एंड तो आई फील प्राउड अबाउट इट कि कुछ तो किया है लाइफ में मैंने, कुछ तो उखाड़ा है. मतलब इट्स नॉट कि मजाक नहीं है. तो मैं बस इस अपनी लाइफ की जर्नी से मेरे को इतना होता है कि इफ़ यू आर परसिस्टेंट, इफ़ यू आर हार्ड वर्किंग एंड यू हैव अ रियल कॉज कि तुम्हें करना है नो मैटर व्हाट विल हैपन एंड यू हैव समवन इन योर लाइफ जो तुमको ट्रस्ट करता है. फॉर मी इट वॉज माई डैड. आई स्टिल रिमेंबर नीट जब पोस्टपोन हुआ जा रहा था बार बार, वो काफ़ी ट्रोमैटिक था वो टाइम, क्योंकि तब कोविड वगैरह था. तो मैं ऐसे बैठी हुई थी एंड एक दिन सैड थी, मैं बहुत सैड थी एंड आई वॉज लाइक मेरे से नहीं हो रहा पापा, क्योंकि पोस्टपोन हुए जा रहे हैं ना, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कब होगा एंड तुम बार बार सेम चीज़ पढ़ रहे हो. तो फिर मैं डैड वॉज लाइक, तू ना अभी से भी बंद कर दे, तू पढ़ना बंद कर दे,
तू बस हर दिन, तेरे से नहीं हो रहा इतना ज़्यादा एफर्ट, तू मत कर, तेरे से जितना हो रहा है तू उतना कर, एंड तू उसके बाद भी तू नीट दे के आएगी ना, तू टॉप 50 में आएगी, आई कैन टेल यू दिस। एंड यू, कोई होता है ना कोई इंसान जो तुमको इतना बोल दे, वो ही बहुत होता है, क्योंकि यू, इफ़ यू नो कि वो बंदा सच में सोच के बोल रहा है, मतलब फॉर मी दैट वॉज माई डैड, उन्होंने कैसे बोला कि तू लिखवा के ले ले मेरे से, मैं बोल रहा हूँ तेरे को, मैं लिख के देता हूँ कि तेरी आएगी। तो वो कॉन्फिडेंस तुम में शायद ना हो, बट कोई और तुम में अगर शो करता है तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है तुम्हारे लिए। वो कोई भी हो सकता है, तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, तुम्हारे पेरेंट्स हो सकते हैं, तुम्हारे टीचर्स हो सकते हैं। फॉर मी दैट वॉज माई डैड, एंड दैट वॉज द मतलब गेम चेंजर फॉर मी, ही हैज़ बिन देयर फॉर मी, एंड मुझे लगता है अगर वो नहीं होते तो मेरी, मैं एम्स दिल्ली में भी नहीं होती। सो दैट वॉज माई जर्नी, मेरे को बस बताना था, क्योंकि मैं बताना चाहती थी, कभी किसी ने मेरे से इस बारे में नहीं पूछा कि, एंड आई हैव ऑलवेज गिवन इंटरव्यूज वेर इन ऐसा लगता है कि अरे भाई ये तो मतलब ये तो बस टॉपरी थी, इसको तो सब आता था, इससे तो क्या ही है। ऐसा कुछ नहीं है, आई एम अ नॉर्मल स्टूडेंट लाइक यू, एंड आई अश्योर यू, इफ़ यू यू आर डूइंग वॉट यू आर डूइंग एंड यू लाइक इट, मतलब 11th 12th में द रीज़न आई कुड सक्सीड वॉज दैट आई लव दो सब्जेक्ट्स, मतलब बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, जो इंटरेस्ट मेरे को उन सब्जेक्ट्स में आता था ना, मतलब फिजिक्स का एक क्वेश्चन अगर बन जाए, आई यूज टू सॉल्व क्वेश्चन समटाइम्स, मैं जे एडवांस पेपर लेके बैठ जाती थी, क्योंकि हमारे साथ जो हमारे को मतलब मेरे बैचमेट्स थे जो जो जे के रिपेयर कर रहे थे, उनके पेपर लेके मैं सॉल्व करने लगती थी, मेरे को पूरा पूरा दिन लग जाता था कभी कभी, बट मेरे को जो थ्रिल आता था ना, मतलब उसका एक क्वेश्चन भी मेरे से बन जाए कि माय गॉड, दो तीन तीन घंटे लग जाते थे कई बार मेरे को एक आधा क्वेश्चन बनाने में, या फिर आई यूज टू सॉल्व इरोडो और सम बुक्स लाइक दैट, तो कई बार मेरे से बनते नहीं थे, आई यूज टू फील कि क्यों नहीं बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे, मेरे को करना है करना है करना है, एंड मैं बैठी रहती थी, और 3 घंटे बाद भी वो बनते थे ना, तो जो खुशी, वो सेटिस्फैक्शन जो मेरे को मिलती थी कि माय गॉड आई डिड इट, यू नो आई फिगर्ड द राइट वे आउट, तो वो जो फन होता था, वो फन मेरे को कभी मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया उसके अलावा अपनी लाइफ में। आई एम इन MBBS करेंटली, ये मेरा फाइनल ईयर है, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर आई हैव डन अमेजिंग, बट दीज सब्जेक्ट्स दे आर अमेजिंग, आई लव बींग अ डॉक्टर, मतलब इससे अच्छा कोई प्रोफेशन नहीं हो सकता, ऑब्वियसली बात है, ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, डॉक्टर बनने से अच्छा और क्या हो सकता है, एंड दिस इज समथिंग आई रियली वॉन्टेड टू डू, एंड आई एम डूइंग इट एंड आई एम हैप्पी अबाउट इट, बट वो खुशी जो मेरे को 11th 12th के उन सब्जेक्ट्स को क्रैक करके मिलती थी, वो खुशी अब मतलब इन सब्जेक्ट्स में, बिकॉज ऐसा है कि तुम्हें बस पढ़ना है, कॉन्स्टेंटली पढ़ते जाना है, समझते जाना है, ठीक है, बट ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें तुम्हें वो थ्रिल है कि तुम्हें ये पेपर देना है एंड तुम्हें इम्प्रूव कर रहे हो तुम डेली, वो थ्रिल जो होता था ना 11th 12th के उन सब्जेक्ट्स में, वो कहीं ना कहीं अब मेरे को उतना आता नहीं है। ये एक अपनी अलग जर्नी है, इसमें अलग चीज़ें हैं, वो है डेफिनेटली, बट वो थ्रिल बहुत ज़्यादा अच्छा था, एंड इसलिए नाउ दैट आई एम ह्योर एट दिस लेवल 4th ईयर में, मुझे समझ आता है कि अगर मैं बस तुमको एक एडवाइस ये देना चाहूँगी कि अगर तुम्हें वो चीज़ें तुम्हें इंटरेस्ट नहीं दे रही, मतलब अगर तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा 11th 12th के उन सब्जेक्ट्स में, कि तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा ना अगर, तो फिर तुम, इट्स नॉट वर्थ इट, इतना एफर्ट इज़ नॉट वर्थ इट, तुमको बस इतना करना है खुद से, वो अंदर से ये चीज़ लानी है कि यू शुड स्टार्ट इन्जॉइंग दो सब्जेक्ट्स, तुम्हें मना आना चाहिए कि क्वेश्चन करके, अगर तुमसे वो हो रहे हैं, तुमको लग रहा है बहुत ईजी है, तो एक लेवल ऊपर जाओ, एक लेवल ऊपर के क्वेश्चन करो, ताकि जो तुमसे थोड़े ना हो पाए, थोड़ा तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर हो, एंड देन ट्राई टू डू इट बाय योरसेल्फ, बिकॉज अभी इतने सारे रिसोर्सेज हैं कि तुमसे नहीं हुए, तुम सीधा यूट्यूब पे या फिर क्या कहते हैं गूगल पे, तुम सीधा एक्सप्लेनेशन देख लेते हो कि इसका एक्सप्लेनेशन ये है इसका, ताकि तुम्हारा टाइम ना वेस्ट हो, बट यू नो बार बार तुम एक्सप्लेनेशन देखोगे, तुम्हारे दिमाग ने तो काम किया ही नहीं, तो फिर तुम्हें वो चीज़ याद ही कैसे होगी, तुम्हें वो लोग मुझसे पूछते हैं कि यार इसके फॉर्म मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूलाज कैसे याद देते हैं, भाई तुमने 500 क्वेश्चन किए हैं क्या उस चैप्टर के, या फिर क्या तुमने उस टॉपिक के कोई 10-15 भी ऐसे क्वेश्चन किए हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग लगा हो, मतलब तुम्हें 50 बार वो क्वेश्चन को ट्राई करना पड़ा और तब जाके हुआ, तब ना जब तुम 50 बार एक क्वेश्चन को 10-50 तरीके से ट्राई करते हो, जब सारे फॉर्मूलाज को एक दूसरे में मिक्स एंड मैच करके लगा कोशिश करते हो, तब जाके वो क्वेश्चन बनता है ना, तो जब ये तुम 10 क्वेश्चन ऐसे करते हो ना, तब तुम्हें फॉर्मूलाज तुम्हारे दिमाग में छप जाते हैं, तब वो तुम्हें नहीं भूलते, और चाहे तुम लेकर के 2 घंटे 10 घंटे वो फॉर्मूलाज रट लो, तुम्हें नहीं रटेंगे, तो इकलौता सोल्यूशन इसका ये है कि तुम 50 बार उन क्वेश्चन को करो, 50 गलत तरीकों से करो, एंड उस प्रोसेस में तुम्हें वो चीज़ याद होगी, फिर वो कभी नहीं भूलेगी, तो ये चीज़ मैं मेरे को बहुत इंटरेस्ट आ रहा था, सो दिस वॉज अ लिटिल बिट ऑफ माई जर्नी विच आई वॉन्टेड टू शेयर फ्रॉम माई एंड, बिकॉज मैं बस करना चाहती थी। अपार्ट फ्रॉम इट, कमिंग बैक टू वाई आई एम मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल, सी अगर मैं बनाना चाहती तो मैं नीट के जस्ट बाद बना सकती थी इन माई फर्स्ट ईयर ऑफ कॉलेज, तब टाइम भी बहुत होता है, अभी तो फाइनल ईयर है, बट द रीज़न आई डिड नॉट मेक इट वॉज मैं नहीं चाहती थी कि मैं अपनी पढ़ाई या अपने जो भी मेरा कोर्स है उसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँ बिल्कुल भी, या उस टाइम पे मैंने ऑलरेडी मतलब
काफ़ी इंटरव्यूज़ दे दिए थे जिसमें मैंने बता दिया था कि इसमें ये चीज़ करनी है, इसमें तुम्हें ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, इनफ गाइडेंस जो कि रिक्वायर्ड थी. बट एंड तब मैंने इसीलिए नहीं बनाया क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं अपना पूरा अटेंशन कॉलेज को दूँ, पूरा अटेंशन इन सब्जेक्ट्स को दूँ, बिकॉज मैं इसके साथ इनजस्टिस नहीं करना चाहती थी. एंड फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर मैंने बहुत डेडिकेटेडली पढ़ाई करी है, उसके अलावा और भी चीज़ें करी हैं क्योंकि मैं कॉलेज भी एक्सप्लोर करना चाहती थी, मैं अपने पैशन एक्सप्लोर करना चाहती थी, बिकॉज आई हैव टोल्ड यू मैंने और कुछ किया नहीं है लाइफ में, तो मैंने सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया. मैंने डांस, माइम, फैशन शोज, जो भी कुछ हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन, एवरीथिंग, जो भी पल्स हमारे होते हैं उसमें, जो भी जितना भी मैं अपने एंड से करना चाहती थी एक्सप्लोर, मैंने सब कुछ कर लिया. एंड अल्टीमेटली आफ्टर एक्सप्लोरिंग एवरीथिंग आई रियलाइज कि पढ़ना ही आता है मेरे को पढ़ने में मज़ा भी आता है, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ आई डू एंड आई हैव बिन डूइंग एंड दिस इज समथिंग आई लव इट, आई लव डूइंग. पढ़ने के अलावा मैंने अपने कॉलेज में बहुत सारे जूनियर्स को पढ़ाया भी है, अपने बैचमेट्स को भी पढ़ाया है, अपने जूनियर्स को भी काफ़ी पढ़ाया है. एंड वो जो एक फ़न होता है कि तुमने कोई 3-4 घंटे का टॉपिक जो समझने में मुश्किल है वो किसी को एक्सप्लेन कर दिया, तो वो जो फ़न या थ्रिल आता है किसी को पढ़ा के एक्सप्लेन करके, वो मेरे को धीरे धीरे आने लग गया. एंड समहाउ आई रियलाइज कि आई कैन टीच बिकॉज बोथ माई पेरेंट्स आर राइट नाउ टीचर्स. माई डैड वॉज एन एयरफोर्स बट ही टुक वॉलंटरी रिटायरमेंट एंड नाउ ही इज़ अ टीचर. एंड बचपन से ही हैज़ एक्सप्लेन मी स्टफ इतने अच्छे से बिकॉज ही नोज़ हाउ टू यू नो एक्सप्लेन इट राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, बिल्डिंग इट अप एंड अल्टीमेटली एक्सप्लेनिंग इट कि इसको ऐसे करना है. तो धीरे धीरे उन्होंने मेरे को सब कुछ उन्होंने एक्सप्लेन किया एंड आई हैव बीन बॉर्न ब्रॉट अप इन यू नो इन एन एनवायरमेंट जहाँ पे मतलब आई हैव लर्न द राइट वे कि माई मॉम ऑल्सो यूज टू टीच मी, तो मेरे को पता है कि कैसे पढ़ाना होता है थोड़ा थोड़ा शायद, तो मैं आई थिंक आई एम गुड एट इट. तो आई एम एन्जॉइंग माई MBBS, उसमें कोई डाउट नहीं है, मेरे को अच्छा लग रहा है. बट समहाउ आई फील कि मेरा पैशन इज़ टीचिंग, या मैं चाहती हूँ कि मैं और पढ़ाऊँ या अपना वो वाला साइड एक्सप्लोर करूँ कि मैं देखूँ कि मैं कितना अच्छा कर सकती हूँ इस चीज़ में, बिकॉज इस दिस इज़ समथिंग विच इंटरेस्ट मी. एंड जब मैं 11-12 के उन सब्जेक्ट्स को एक्सप्लोर करती हूँ ना या दोबारा से देखती हूँ, तो वो जो थ्रिल मेरे को दोबारा मिलता है वो मेरे को कहीं ना कहीं अभी मेरी लाइफ में लैग करता हुआ दिख रहा है. तो द पर्पज़ ऑफ मी मेकिंग दिस यूट्यूब चैनल आफ्टर 3 ईयर्स इन माई फाइनल ईयर इज दिस कि आई एम हैप्पी वॉट आई एम डूइंग उसके साथ, बट मैं एक साथ में कुछ और करना चाहती हूँ बिकॉज समहाउ मुझे ऐसा लगता है कि मैं कर सकती हूँ एंड मुझे वो करके बहुत मज़ा आएगा, वो साइड एक्सप्लोर करके, पढ़ा के, चीज़ों को एक्सप्लेन करके, और थोड़ी थोड़ी चीज़ें एक्सप्लोर करके. इतना लेट स्टार्ट करने का एक रीज़न ये भी था बिकॉज मुझे हमेशा से डर रहता था, एंड अभी भी जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ मुझे बस मेरे बैक ऑफ द माइंड में, बिकॉज आई एम एन ओवरथिंकर, मैं हर चीज़ को बहुत सोचती हूँ, तो मेरे दिमाग में हमेशा ये रहता था कि हाउ विल इट गो, विल इट गो द राइट वे, व्हाट विल पीपल थिंक, लोग क्या कहेंगे, लोग जज करेंगे कि ये भी यूट्यूब पर आ गई या जो भी, कि क्यों, मतलब हाउ विल इट गो, विल आई बी ओके, क्या मैं सही करूँगी, या फिर कॉलेज में तो कई लोग मेरे को ऐसे मतलब थोड़ा सा क्लूड नहीं कर देंगे. तो मतलब मेरे को हमेशा लगता था कि क्या ये सही होगा, क्या ये एक सही डिसीजन है, क्या मैं दोनों चीज़ें साथ में हैंडल कर पाऊँगी, क्या मुझसे होगा या नहीं होगा, या विल आई बी राइट, विल आई बी ओके विद इट. तो बहुत सारे डाउट्स होते थे एंड मेकिंग वीडियोस और एक्सप्लोरिंग माय लाइफ यू नो यूट्यूब पे आना, ये चीज़ मैं एक साल से या उससे ज़्यादा से सोच रही हूँ. इतनी बार मेरा मन करता था बट हमेशा मैंने प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया बिकॉज मुझे हमेशा ये डर रहता था कि पता नहीं क्या होगा, विल इट गो द राइट वे, पता नहीं लोग क्या बोलेंगे, कहीं मेरे को हेटरेड ना मिले. आई हैव बीन एन ऑथेंटिक पर्सन, मैंने जो भी आज तक बोला है मैंने कुछ भी गलत या झूठ कुछ भी नहीं बोला. जब मेरी नीट की रैंक भी आई, मैं एक कोचिंग इंस्टीट्यूट से पढ़ी थी, मैंने बता दिया जो भी मैंने पढ़ा, जो भी मैंने रिसोर्सेज यूज़ किए, बिल्कुल अनफिल्टर्ड मैंने बात करी है बिकॉज मुझे तब नहीं पता था ना मुझे अब पता है कि अपने आप को कैसे पोर्ट्रे करना है कि तुम्हारे पास ज़्यादा यू नो रीच हो या लोग तुम्हें ज़्यादा जाने या पसंद करें. मुझे ये सब कुछ नहीं आता है. मुझे आई एम एन ऑथेंटिक पर्सन, आई बिलोंग फ्रॉम अ फैमिली, मतलब बहुत ही बेसिक सी हम्बल सी फैमिली से मैं बिलोंग करती हूँ. एंड मुझे मतलब जितना भी मैंने किया है अपनी लाइफ में आई थिंक मैं कर पाई हूँ बिकॉज माई पेरेंट्स आर वेरी सपोर्टिव. कभी मैंने जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं आज यहाँ पे बैठी होंगी, मैं हूँ, मैं कर रही हूँ एंड अभी भी आई एम हसलिंग, आई एम डूइंग, आई एम गिविंग, आई एम ट्राइंग टू गिव माई बेस्ट. मे बी आई एम नॉट गिविंग माई बेस्ट राइट नाउ एट दिस फेज, बट मैं चाहती हूँ कि मैं करूँ. एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल टू माई पेरेंट्स एंड गॉड फॉर यू नो मेकिंग दिस पॉसिबल. एंड I just hope that via this YouTube channel, I can spread some positivity, some bit of inspiration if I could give or instill in you that
तो दैट विल बी सक्सेसफुल. एंड मैं चाहती हूँ कि मैं थोड़ा पढ़ाऊँ, मतलब टॉपिक्स जो कि थोड़े मुश्किल हैं समझने में उनको मैं एक्सप्लेन करूँ, या जो इंपॉर्टेंट पी वाई क्यूज़ हैं उनको मैं एक्सप्लेन करूँ. थोड़ा थोड़ा मैं अराउंड दिस दीज लाइन्स मैं वीडियोज बनाना चाहती हूँ, और थोड़ा मैं एक्सप्लोर भी करना चाहती हूँ. सो दिस इज़ द होल पर्पज. आई होप यू विल लाइक इट. थोड़ी बड़ी हो गई वीडियो डेफिनेटली, बट मैं मतलब ऑनेस्टली मैंने कोई स्क्रिप्ट नहीं लिखी है. मैं ऐसा नहीं है कि मैं स्क्रिप्ट रीड कर रही हूँ, कुछ भी नहीं. लिटरली ऑल दिस आई एम सेइंग फ्रॉम माई हार्ट. मैंने डेफिनेटली इसके पहले दो तीन और वीडियोज़ रिकॉर्ड करी, उसमें मैंने और भी चीज़ें बोली या फिर मैं फंबल कर जा रही थी जो भी, तो मैंने उसको हटाया. बट ये दिस इज़ माई थिंक फोर्थ और फिफ्थ अटैम्प्ट आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड दिस वीडियो. बट दिस इज़ टोटली अनस्क्रिप्टेड, कमिंग राइट फ्रॉम माई हार्ट. एंड आई हैव शेयर्ड, लाइक आई थिंक आई एम एन ओवर शेयर. आई हैव शेयर्ड एवरी थिंग जो कि ऑनेस्ट है. एवरी बिट ऑफ इट इज़ राइट. एंड आफ्टर अ बहुत 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 सोचने के बाद, मतलब मैं हर बार सोचती थी, फिर मैं हर बार हटा देती कि नहीं मेरे को नहीं करना यूट्यूब, मेरे को पता नहीं कैसा जाएगा, सही होगा नहीं होगा, मेरी पढ़ाई अफेक्ट हो जाएगी, मेरी लाइफ तो अफेक्ट नहीं हो जाएगी. बट हर बार जब मैं उस चीज़ को नहीं करती थी ना, तो मतलब एक बिट ऑफ माइंड यूज टू बी सैड कि मुझे करना है, मेरा मन है, मैं करना चाहती हूँ. एंड मैं कब तक ये सोचती रहूँगी कि लोग क्या कहेंगे, मैं कब तक. एंड मे बी इट विल गो द राइट वे. मैं ऐसा तो नहीं है कि कुछ गलत कर रही हूँ, या मैं किसी को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, या मैं किसी के लिए कुछ, मैं किसी का नुकसान करना चाहती हूँ. मेरा ऐसा कभी भी कोई पर्पज नहीं है लाइफ में. आई हैव बिन ब्लेस्ड एंड आई फील आई हैव बिन ब्लेस्ड, तो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड मैं कभी किसी का बुरा तो नहीं सोचूंगी. तो विद दैट you know intention I am making the video. And aage se is channel pe I hope that you guys will like it. And I'll create educational content related to I'll mostly create educational content and thoda bahut on and off about it and about my life and things like that. And I hope you will like it. And thank you so much for sticking to the end. This is very close to my heart which I'm sharing. And मुझे पता नहीं है रिकॉर्ड करते हुए भी कि मैं शेयर कर, मैं इसे डालूंगी भी या नहीं यूट्यूब पे. मैंने पहले भी बहुत बार बनाई है बट मैंने नहीं डाला, बहुत डर डर के. आफ्टर एन ईयर ऑफ थिंकिंग मैं ये डाल रही हूँ. एंड आई होप इट रीचेज द पीपल हु नीड इट, उन लोगों के पास पहुँचे जिनको की रिक्वायरमेंट है. एंड उनको थोड़ा सा ही सही बट एक होप मिले कि आप कर सकते हो. इफ़ आई कैन डू इट यू कैन डू इट एज वेल, बिकॉज I did it from scratch. And if you are doing it from scratch, तुम भी कर लोगे. Just have that faith and confidence in yourself and be honest to yourself कि तुम चाहते हो या नहीं, क्या तुम सच में ये चीज़ करना चाहते हो या नहीं करना चाहते. Because it's not, it doesn't end at NEET, you know. इसके बाद MBBS, MD, DM, it's a big journey. अगर तुम्हारे अंदर से नहीं आ रहा तो you should not do it. तुम्हारे अंदर से आना चाहिए कि तुम खुद के लिए ये करना चाहते हो, तुम अपने पेरेंट्स के लिए ये करना चाहते हो, यू वांट टू मेक देम प्राउड, एंड बिफोर दैट यू वांट टू मेक योर सेल्फ प्राउड. सो इफ यू हैव दैट थिंग इन यू, गो फॉर इट. डोंट लेट एनी वन टेल यू, कोई भी नहीं, बींग अगर वो तुम्हारा फ्रेंड भी है, वो तुम्हारा टीचर कोई भी है, वो तुम्हें अगर बोला तुम नहीं कर पा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, डोंट लेट देम डाउट यू. इफ यू ट्रस्ट योर सेल्फ दैट यू कैन डू इट, जस्ट गो फॉर इट, डू इट नो मैटर व्हाट हैपेंस. सबका मुंह बंद हो जाता है जब रिजल्ट आता है, ठीक है, सबका. So you, I know you can do it, you know you can do it, and if you have that faith in yourself, just go for it. So with this, bye bye, see you in the next video, and I hope you liked it. Thank you, bye.